मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। रूपा एंड फैमिली चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे। और ये देखिए मैं मॉर्निंग का पूजा कर ली हूँ और ये देखिए मैं पत्ता एक ठो मतलब खाती हूँ प्रसाद में, और ये मिसली के कुछ दाने, और बस ये देखिए मेरा चाय बन रहा है मॉर्निंग का, मॉर्निंग टी। तो बस आ जाइए, आप लोग भी चाय पी लीजिए। तो गर्मा गर्म चाय तैयार है। तो बस मैं आज ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ गोभी आलू की सब्जी। तो गोभी आलू सब्जी अभी फ्रेश फ्रेश गोभी आया है, तो मतलब गोभी। तो ये देखिए तो मैं इसी की सब्जी बनाने वाली हूँ, एकदम ताज़ा ताज़ा है। तो अभी मैं इसे कट कर लूँगी, पहले चाय पी लेती हूँ, तो आप पी लीजिए। और कुछ मैं मसाले भी निकाल दे रही हूँ। ये देखिए मतलब कि गोभी को मैं कट कर ले रही हूँ, और ये देखिए नींबू लहसुन अदरक सब आया है, और ये देखिए ये भी तोरई भी आया है, मतलब झींगा है ये, और टमाटर आया है, सब आया ताज़ा ताज़ा। मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी, और मतलब लहसुन को फ्रिज में रखती हूँ, और आलू मैंने उबलने के लिए चढ़ा दिया है कुकर में। और बस मैं गोभी को मैं कट करके अभी रख ले रही हूँ, और फिर इस गोभी को आलू पहले उबल जा रहा है, ये देखिए सीटी मार रहा है। और ये देखिए मैंने गोभी कट करके रख लिया है, और आलू भी मेरा मतलब प्याज मैंने दो काट लिया है, दो प्याज है, और बस ये आलू भी मतलब हो चुका है। और फिर गर्म पानी में मतलब गोभी को मैं डाल देती हूँ, कब ठंडे के मौसम में मिले या गर्मी के मौसम में कभी भी गोभी मिलता है तो मैं गर्म पानी में जब तक थोड़ा सा डालती नहीं हूँ तब तक मैं सब्जी नहीं बनाती हूँ। तो ये देखिए मैंने प्याज टमाटर और डाल दिया गर्म पानी में, गोभी को भी मैंने डाल दिया है, थोड़ी देर रखती हूँ, ज़्यादा देर नहीं। और प्याज को मैं अच्छी तरह भून लेती हूँ, तेज़पत्ता प्याज और हरी मिर्च जीरा ये सब मैंने डाला है इसमें, और प्याज को भून ले रही हूँ। और फिर उसके बाद मसाले भी मैंने निकाल के रखे हैं। तो मसाले हम मैंने तो मतलब गोभी आलू सब्जी की रेसिपी बहुत बार शेयर की है, तो फिर अब मैं आलू भी उबाल के रख ली हूँ, ये देखिए छीन रही हूँ, और गोभी मेरा फ्राई हो चुका है, और मसाले भी मैंने डाल दिए, वही सब मसाले हैं, जीरा गोलकी धनिया पाउडर मिर्च पाउडर यही सब है, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो बस मैं अभी डाल दूँगी इसमें, और फिर उसके बाद इसमें इसको अच्छी तरह भून लूँगी ताकि अच्छे से ये हो जाए। और फिर उसके बाद मैं नमक डाल दूँगी इसी में ताकि नमक ये अच्छी तरह से पक जाए। और बस मेरा मतलब कि देखिए मसाले भुने चुके हैं, थोड़ा मोड़ा टमाटर भी मैंने कट करके डाल दिया है, तो एक ही टमाटर था तो मैंने एक टमाटर डाला है, और फिर बाद में टमाटर आया था तो एक ही टमाटर डाली हूँ, और आलू भी कट करके मैंने डाल दिया सारा। तो बस इसको अच्छे से मिला ले रही हूँ, और फिर गोभी मैं डाल दूँगी। तो गोभी डालने के बाद मैं इसमें थोड़े से मिला के और पानी डाल दूँगी, तो बस हो जाएगा। और मैं गोभी भी डाल दी हूँ तो ये देखें, और बस अब इसको अच्छे से मिला ले रही हूँ, और फिर पानी डाल दूँगी तो हो जाएगा। मैंने पानी डाल दिया है, और बस ये सब्जी मेरा तैयार हो गया है। पानी डालने के बाद थोड़ी देर के बाद रखा है तो सब्जी तैयार हो गया है ग्रेवी वाला। और बस ये देखिए कितना टेस्टी सब्जी दिख रहा है, और गरम मसाला भी मैंने इसी में डाल दिया था। तो बस रोटी और गोभी आलू की सब्जी, तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए टेस्टी टेस्टी गोभी आलू की सब्जी और रोटी गर्मा गर्म। तो बस मुँह में पानी आ गया होगा, तो ये देखिए कितना अच्छा मतलब कि गोभी और आलू का सब्जी दिख रहा है एकदम टेस्टी। तो बस मैंने आप लोग भी आ जाइए, हम लोग भी अब नाश्ता करने जा रहे हैं। तो बस का ब्रेकफास्ट था, तो यहाँ देखिए गेट लग रहा है हम लोग का नया, यहाँ पे ये बाउंड्री गिरा हुआ था ना, तो बाउंड्री उठा और तो फिर गेट लग रहा है। तो ये देखिए सब मिस्त्री लोग भी हैं, और मतलब कि हम लोग के मकान मालिक भी हैं, वहाँ देख रहे हैं काम को, और गेट लग रहा है। तो फिर जब गेट फाइनली लग जाएगा तो मैं आपको आप लोग को दिखाऊँगी कि कैसा गेट लगा है। और फिर मुझे लंच भी बनाना है, तो लंच में मैं आप लोग को दिखाई थी ना सुबह में तोरई की, तो तोरई की मैं भुजिया सूखी हुई बना रही हूँ, भुजिया टाइप का। ये देखिए मेरा हो गया है, तो मतलब
मतलब अभी हल्का सा और होगा तो हो जाएगा। तो बस तोरई की भुजिया और चावल, और भी कुछ बनाएंगे तो कुछ नया ट्राई करेंगे तो देखते हैं। और फिर उसके बाद ये देखिए इसके पानी अच्छा से सूख जाएगा तो हो जाएगा मतलब अब थोड़े ही देर में। तो देखिए ये मतलब कि गैस में हमने अभी थोड़ा कम करके रखा है, कम करके ही गैस में मतलब, और ये देखिए हो गया है। तो बस तैयार हो गया है तो लंच वाला सब्जी, तो अभी मैं बनाऊंगी चावल। का कड़ी ये देखिए, तो मैं इसकी रेसिपी नहीं दिखाई हूँ, ये उतना मतलब भारी नहीं है, आसानी है। तो बस अगर आप लोगों को मतलब कि अगर जानना हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बूंदी की कड़ी का रेसिपी ज़रूर बताऊंगी, तो किसी और वीडियो में। तो बस अभी मतलब देखिए मैंने बना लिया है, और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाता है, अभी हम लोगों को कहीं जाना भी है खाना वाना खा के, और ये सब बर्तन वर्तन साफ करके सारा काम करके। तो ये देखिए चावल भी मेरा बन गया है, और भिंडी का कड़ी, और कड़ी भी बन गया है। तो बस खाना बन गया है सारा, तो अब हम लोग अब खाएंगे। तो ये देखिए, तो ये झींगा वाली भुजिया, और ये कड़ी बूंदी वाला, और ये चावल, तो मैंने थोड़ा सा जीरा राइस टाइप का बना लिया था, तो मुझे ये यार अच्छा लगता है। और ये देखिए कितना अच्छा कड़ी है, बहुत टेस्टी लगता है ये कड़ी, कभी आप ट्राई कर सकते हैं, और बहुत आसान भी है, ज़्यादा मेहनत इसमें कुछ भी नहीं लगता है। तो बस आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए, खाना लग चुका है, और सिंपल वाला भी चावल है और ये वाला भी है, दोनों जो पसंद है आ जाइए, आप लोग भी खाना खा लीजिए, थाली लग गया है। तो बस मैं अभी तैयार हो गई हूँ, मैं कहीं जा रही हूँ, तो आप लोगों को भी मैं दिखा देती हूँ कि कहाँ जाने वाली हूँ। तो बस अभी थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगी, थोड़ा ही दूर है, तो अभी मैं और मेरी बेटी दोनों हम लोग जाएंगे। बस अब निकल गए हैं, और मतलब कि यहीं पास में ही मतलब जाना, ज़्यादा दूर नहीं जाना, थोड़ा सा मतलब कि दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो अभी हम लोग जाएंगे, और ये देखिए गेट वाला काम अभी भी हो ही रहा है, और देखिए मतलब कि बहुत दिक्कत हो रहा है आने जाने के लिए, क्योंकि गेट में ही काम हो रहा है, इसलिए हम लोग बाहर आ चुके हैं, और बाहर में ही मतलब ये देखिए हम लोग पहुँच गए। तो मैंने ज़्यादा सूट नहीं किया था रोड में, तो ये देखिए यहाँ पर ये यहाँ पे आ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे मेहंदी लगवाने के लिए आए हैं। तो ये देखिए ये मेहंदी लगा रही है, और कितना अच्छा से मेहंदी लगाती है, तो यहाँ पे आए हैं। तो ये हम लोग जहाँ पे रहते हैं ना, ये लोग भी यहीं पे पहले रहते थे, लेकिन अभी ये लोग मतलब कि यहाँ से कहीं और चले गए हैं। तो ये देखिए मेरा हाथ में इस तरह का मेहंदी लगा हुआ है, तो आप लोग देख लीजिए, मैं आप लोग को दिखा दे रही हूँ इस टाइप का मेरा मेहंदी लगा हुआ है, और अच्छा लग रहा है, तो बताइएगा कमेंट करके कि कैसा मेहंदी है, और मतलब अभी तो गीला है, जब रेड होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा मतलब लग रहा है मेहंदी। तो ये देखिए मेरे हाथों में मेहंदी लग चुका है, और अभी सावन का पहले ही बार मैं मेहंदी लगाई हूँ, तो बताइए कैसा लग रहा है आप लोगों को। और अभी मैं किसी और से भी मिलवाने वाली हूँ। तो ये देखिए एक डॉगी है बहुत प्यारा सा, तो ये देखिए आप लोग मिलिए कितना प्यारा है, और सबके साथ मतलब कि घुल मिल जा रहा था, और सेकेंड भी कर रहा था। तो ये देखिए आ गया एक नया मेहमान यहाँ पे, तो बस मैं उसके साथ मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैं उसके साथ थोड़ा सा मतलब कि मेहंदी लगा हुआ था, फिर भी मैं ऐसे ऐसे कर रही थी, वो मुझे भी हाथ मिला रहा था। ये देखिए आप लोग को दिखा दे रही हूँ, हाथ दे दे रहा था भाई, ये देखिए देखिए कितना प्यारा है, और बहुत ही क्यूट लग रहा था डॉगी। और हम लोगों को तो मतलब कि देखते ही हैं, मेरे घर में मिट्टू भी है, और फिर ये भी डॉगी भी है, मतलब डॉगी मेरे घर में नहीं है, ये तो किसी और के घर में। ये देखिए मेहंदी को मतलब हमको थोड़ा सा डर भी लग रहा था, लेकिन ये बिल्कुल भी काट टूट नहीं रहा था, ये मतलब यहाँ पे हम लोग रहते हैं ना, वहीं ये लोग रहते हैं ना, वहीं पे वो लोग पोस के रखे हैं, तो बिल्कुल नहीं काटता, बहुत प्यारा है, और बहुत अच्छा भी था मतलब, और वो मतलब आके हट ही नहीं रहा था, सबको मतलब पहचान ले रहा था,
और वो जो मतलब जो है ना ये जिनके घर हम लोग गए थे उनसे वो जो बोल रही थी ना वो सुन रहा था उनका बात को। तो ये देखिए मुझे डर लग रहा था और थोड़ा लाइट भी अंधेरा लग रहा था इसलिए उतना अच्छा से वीडियो नहीं आया था। तो कभी मैं जाऊंगी ना तो अच्छा से आपको दिखा, ये देखिए मिल लीजिए, अच्छे से मिल लीजिए इससे। और इसका नाम तो मुझे मालूम था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है ये क्या, जिमी शायद नाम था इसका, इस तरह से कुछ नाम था। तो ये देखिए मिल लीजिए एक नए मेहमान से। तो ये देखिए कितना प्यारा और क्यूट मेहमान, इससे मतलब क्या कहते हैं कि इससे अच्छा तो कोई नया मतलब क्यूट मेहमान हो ही नहीं सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है देखिए, और बहुत ही प्यारा भी है। आजकल तो सब कोई मतलब कि रखते हैं। तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड से शेयर करना ना भूलिएगा। तो अभी हम लोग का मेहंदी लग रहा है, अभी मेरा लग गया है, मेरी बेटी का भी मेहंदी लग रहा है तो वो भी लगा लेगी। ये देखिए मैं दिखा दे रही हूँ उसका मेहंदी, मेरे से भी ज़्यादा अच्छा है और कितना अच्छा लग रहा है मेहंदी। और अभी पहली बार सावन में हम लोग लगाए मेहंदी, मेरी बेटी एक बार लगाई थी तो मैं नहीं लगाई थी। ये देखिए कितना सुंदर मेहंदी लगाती है वो। तो मैं तीज में भी यहीं पे आती हूँ और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और बस इस मतलब ये वीडियो देखिए पूरा और उसके बाद रक्षाबंधन का एकदम अच्छा वाला ब्लॉग मैं अल्लाह।